हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डे थ्री की शुरुआत हो चुकी है फिलहाल। ब्रेकफास्ट इज़ डन और हमें सुबह से पता पड़ा है कि यार और टनल से पहले लैंडस्लाइड हो चुकी है। मनाली आने वाले सारे फंस गए हैं। तो हम आज सोच रहे थे कि हम सीसू चलें, बट फिर हमने सोचा है सीसू कल चलते हैं, आज हम जा रहे हैं नगर। अभी तक ये प्लान है, पहुँचने के बाद बताऊँगा कि हाँ पहुँच गया और देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ ना मैं इस बार। रात की शराब अब उतरी तो थोड़ा लेट शुरू हो रहा है यार, दिन बेकार है यार। रात से नहीं पियेंगे, हाँ रात को कम पियेंगे ना, मतलब हाफ या भाई कल रात को जो फन हुआ यार, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस सबकी गाड़ी गेयर में, हमने सबको भंड कर दिया, बस दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो चलो फिर बाद में मिलते हैं, बाय। दिन की शुरुआत करते हुए हम लोग निकल चुके थे स्कूटी रेंट करने, लेकिन बीच में आ जाता है मनाली नेचर पार्क, विच इज लाइक रियली ऑसम इन मनाली फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रील्स एंड कॉन्टेंट क्रिएशन। वॉच दिस। मनाली नेचर पार्क में जगह करने के बाद हम लोग आ चुके थे अब स्कूटी रेंट करने। फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे लेकिन भूख लग गई यार, तो बीच में एक टेस्टी सा लंच खा के और फाइनली इतने हमारी स्कूटी आ चुकी थी, तो हमने अच्छे से उसकी वीडियो बनाई, सारे स्क्रैचेस वगैरह नोट किए वीडियो में, सेफ्टी के लिए सही रहता है। और फिर हम निकल चुके थे नगर के लिए, प्यारा सा व्यू इंजॉय करते हुए। क्या मौसम था यार उस दिन, सीरियसली मतलब क्लाउड्स भी सारे इतने नीचे आ रहे थे ना, और देखते देखते पहुंच गए नगर कैसल, जिसका एंट्री फीस है 50 rupees पर पर्सन। यार इनटू नगर कैसल और कुछ ऐसा सा मैप है इसका, बाय द वे 50 rupees एंट्री फीस है कैसल की, और काफ़ी मस्त हेरिटेज वॉक है शायद। वाओ, आर दे रियल, दे हैव रियल हॉर्न्स, एक्सेस। ओ यार कुछ खतरनाक बना रखे तो। तो लाइक बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते अंदर, और यहाँ बोर्ड लग रहा है नेशनल हेरिटेज नगर, लेट्स सी। सो दिस कैसल वॉज बिल्ट बाय राजा सिद्धि सिंह इन 1460 विद इम्प्रेसिव कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन एंड हिमालयन आर्किटेक्चर। और यार जो कैसल है वो एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है नोन एज कट कोनी, जो कि कॉम्बिनेशन है स्टोन्स एंड वुडन बीम्स का। नगर कैसल जो था यार वो एक तरीके से रॉयल रेजिडेंस था, स्टेट हेडक्वार्टर, अंटिल ब्रिटिश टुक इट ओवर फ्रॉम होल कांगरा एंड कुल्लू फ्रॉम सिक्स इन 1846। कैसल जो है वो स्टोन से बना हुआ है, और ये जो स्टोन है ये राजा सिद्धि सिंह ने बयास रिवर के आसपास से ही लिए थे, ह्यूमन चेन की हेल्प से लेबर्स को खड़ा करके स्टोन्स को पास करवाते हुए कैसल तक लाया गया, उसे कैसल बनाया गया। और एक कैसल इतना स्ट्रॉन्ग है कि 1905 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, वो अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वैली के सारे घर डैमेज हो गए थे, लेकिन ये कैसल को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अर्थक्वेक प्रूफ टेक्निक से बना हुआ है, और ये टेक्निक लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैसल अभी भी वैसा का वैसा ही है। कैसल के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजियम भी है, और कुछ पेंटिंग्स भी है जो कि रशियन आर्टिस्ट ने बनाई है। और उसके अलावा कैसल का ओपन होने का टाइम है 10 AM, क्लोज होने का टाइम है 5 PM ऑल डेज, को कभी भी बंद नहीं रहता, कोई लाइक कोई वीक हॉलीडेज नहीं। रास्ते में आ गई बारिश बहुत तेज, फिलहाल हम रुके हैं चाय पीने, बढ़िया जगह, वाओ सी द वैली। आपको बता रहा हूँ, देखो हम सब बैठे एक मस्त जगह, जगह का नाम है एबीज हट, और यहाँ पहुंच चुके हैं भाई हमारे बुआ मौसी, देख लेंगे बुआ मौसी। अरे बुआ मौसी कब देखेंगे भाई, भाई तुम बंद करो भाई ये, अरे हीरा आदमी मिला रहे हैं भाई हम चैनल पे क्या। देखो चिल तो बहुत ज्यादा हो रखा है, और फिलहाल सीन कुछ ज्यादा ही हाई चल रहा है, बट स्टिल भैया जी है क्या क्या बुआ मौसी।